धेनुड़ की आपको पता है रामनगर में हम जो नवनियुक्त भाजपा के जिला अध्यक्ष बने हैं गौरव कौशिक के आवास पर है और यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है युवा है जो भाजपा ही है उनका स्वागत कर रहे हैं, फूलमाला पहनाकर उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दैनिक उड़की की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपको इस पद की जिम्मेदारी दी गई? धन्यवाद दैनिक उड़की, और जो विश्वास प्रदेश नेतृत्व ने जिला नेतृत्व ने मुझ पर जताया है मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उस पर खरा उतरूंगा और पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ रात दिन एक करके इस पद का निर्वहन करूंगा। भाजपा युवा मोर्चा में देख पाते हैं कई बार खटपट और राजनीति चलती है आपस में एक दूसरे को लेकर, वहां तक कितनी सही आप समझ पाते हो, कहां तक उनको सही कर पाओगे आप? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति होना तो स्वाभाविक है, मगर सब एक है। संगठन के अंदर राजनीति चलती है उसको लेकर बताओ। नहीं नहीं, उसके अंदर कोई राजनीति नहीं चलती है, उसके अंदर तो सब एक है, सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, ये ऐसा कभी कोई प्रतीत नहीं होता है। जिलाध्यक्ष बनने की कई लोग दौड़ में थे और जब जिलाध्यक्ष आपको नियुक्त कर दिया गया संगठन के द्वारा, अब कई लोगों की मरीज में नाराजगी भी होगी तो उन्हें कैसे बना पाएंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको मांगने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि जहाँ पर एक आदमी की चलती है पेन कलम चलती है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको मांगने का अधिकार है और चुनना एक ही को है, पद एक ही के लिए बना है, ये 3 साल की व्यवस्था है, आज मैं हूँ कल कोई और होगा। पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं और भाजपा के 2 लोकसभा चुनाव वो भी आ रहे हैं 2024 में, उसको लेकर क्या तैयारी रहेगी अब से आपकी? जो भी संगठन द्वारा कार्य दिए जाएंगे वो प्राथमिकता रहेगी, उसके अलावा युवाओं को जोड़ना, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, जो युवाओं के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा योजनाएं चला जा रही हैं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो योजनाएं चला जा रही है उन्हें धरातल पर उतारने का काम किया। हमारे साथ मोहित राष्ट्रपति भी प्रदेश में वक्ता है, भाजपा युवा मोर्चा कहना चाहते हैं? मैं तो प्रदेश नेतृत्व का आभार जताना चाहूँगा, युवा मोर्चा की एक मजबूत टीम सभी 19 जिलाध्यक्षों के साथ नई नियुक्तियाँ करी है और मेरा गृह जनपद भी है रुड़की, तो उसमें गौरव कौशिक जी को जिम्मेदारी मिली है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। धन्यवाद जी भी हैं, युवा हैं, क्या करूं? मैं सर्वप्रथम संगठन का ही आभार व्यक्त करता हूं और भाई गौरव कौशिक जी को भी बधाई देता हूं और उनसे पूर्ण विश्वास है कि युवा मोर्चा की पूरी टीम भाई गौरव कौशिक जी के साथ खड़ी है और उन्हें मजबूत करने का काम करेगी। भाजपा युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में और नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जाएगा, जिसको लेकर युवा मोर्चा की टीम अब घर घर जाकर काम करेगी।